हाँ तो मेरे भाइयों, क्या हाल चाल, जय श्री राम। और तो भाई कैसे हो, एंड भाई कैसे चल रही है आप सबकी रैंक पुश। तो आज का भाई है डे 3, ठीक है। एंड भाई जहाँ तक कि बंदों का मतलब अच्छा खासा जो प्लेटिनम वाले बंदे, उनका तो डायमंड 3 2 हो चुका होगा। एंड भाई जो गोल्ड वाले बंदे हैं, उन्होंने तो प्लेटिनम क्रॉस करके मतलब प्लेटिनम 3 तक तो आ ही चुके होंगे आज, ठीक है। तो मतलब आज मतलब प्लेटिनम 4 तो हो ही होगा, मतलब कम से कम नहीं, कल 300+ किया होगा, आज भाई मतलब परसों 300+ किया होगा, एंड फिर से आज भाई 300 350+ लगाओगे, ठीक है। तो ऐसा करके आज भाई जो बंदे गोल्ड से स्टार्ट किए थे वो भाई 200+ निकाल लो, ठीक है। एंड भाई मैं यहाँ पे को देखो, बंदे उतरते भाई मेरे को लैंडिंग स्पॉट्स बताओ। तो यहाँ पे देखो मैं मार्क कर रहा हूँ इस जगह पे भाई, जब भी आपको मतलब कहा इधर उधर फेंके तो ये जो कंपाउंड्स मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे उतरा करो, ये वाले कंपाउंड्स आपके लिए बहुत सेफ रहेंगे। एंड यहाँ पे लूट भी अच्छी खासी मिल जाती है, तो बंदो ज़्यादा कंपाउंड पता नहीं है तो इसकी वजह से मैं कंपाउंड्स बता रहा हूँ, ठीक है। आप सीधा भाई बड़े प्लेयर जगह पे चल जाते हो ताकि आपकी भाई पेटी बनने के चांस, मतलब बंदे ज़्यादा आते हैं तो आप पे पेटी बनने के चांस भी बनते हैं, ठीक है। तो मैं आपको कुछ पोजीशन मतलब जगह बता रहा हूँ, कंपाउंड्स बताऊँ, तो ध्यान से देखो, ठीक है। तो फिर देखो हर एक कंपाउंड में मार्क करो, तो मैं जब मार्क करो अगर तुम्हारा भाई अगर इस जगह के आसपास में आपको फेंक देता है आपका मतलब इवेंट के उतरने के बाद में, देन भाई आप इधर गाड़ी लेके भाई लूट मार सकते हो, ठीक है। तो देखो भाई मैंने अच्छे खासे कंपाउंड्स आपको शेयर किए, तो भाई ट्राई करो कि यहाँ पे उतरो, ठीक है। एंड यहाँ पे भी आ सकते हो अगर भाई अपार्टमेंट की तरफ अगर फेंका है तो भाई आपको अपार्टमेंट जाना है, ठीक है। ये वाले में 3 वाले स्टार्टिंग है, बीच वाले में मत जाओ यार, उस बीच वाले में कैसा है पता है, जब आपको भाई अगर झोन उस तरफ बना ऐसा झोन बना है एंड आपको भाई झोन के अंदर आना है तो भाई आपके आसपास में बंदा हो तो भाई वो आपके ऊपर मारने के लिए मतलब दबा रहेगा, ठीक है। तो वहाँ से भाई गाड़ी भी मिलती नहीं है जल्दी, आसपास में गाड़ी रहती नहीं है, यहाँ से कैसा भाई ओपनली जगह जल्दी गाड़ी यहाँ पे मिल भी जाती, नहीं मिली तो भाई यहाँ से भाई थोड़ी पास में गैरेज है मतलब इधर उधर आजू बाजू में कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी बढ़ते हैं भाई कुछ पॉइंट्स के ऊपर कि भाई कैसे किस तरीके से किल्स निकालें, एंड भाई सर्वाइव किस तरह से करना है। सर्वाइव नहीं हो रहा बंदों का एक मेन चीज़ है, ठीक है। बंदे सेकंड जोन में मरे जा रहे हैं एंड थर्ड जोन में जाके भी मर जा रहे हैं, तो ऐसे करने के बाद थोड़ा सा कम प्लस तो मिलता ही है, ठीक है। टॉप 10 कैसे करना है एंड भाई ट्राई करना है चिकन कैसे निकाले वो भी बताऊँगा, ठीक है। तो फिलहाल देखो भाई यहाँ पे मेरे बहुत सारे किल हो चुके थे इवेंट पर, मैंने 7 किल कर लिए थे एंड भाई यहाँ पे आने के बाद मेरे को और एक बोट मिल जाता है जिसके साथ मेरे 8 किल यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भाई दूसरी आइडिया गेम प्ले जिसका मैं पेड़ पुश कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा तो 6 ओवर्स कंप्लीट हो चुका है एंड भाई मैं आज क्राउन लगाने का ट्राई करूँगा। फिलहाल मैं डायमंड 2 पे हूँ, मेरी रैंक चल रही है भाई 30 28 के आसपास में, ठीक है। तो हम ट्राई करेंगे भाई 5 दिनों के बाद मतलब 6वें दिन कॉन्करर दिख जाए अपना, ठीक है। रोज डेली मैं निकाल रहा हूँ 250+, तो पहले दिन थोड़ा कम प्लस निकाला, नहीं तो भाई आज मेरा क्राउन कब का हो चुका होता। बट क्या करें यार, पहले दिन में मेरे को मतलब बहुत ही प्रॉब्लम हुई मतलब खेलने में, मेरे को मतलब समझ में थोड़ा टाइम लगा फिर से सोलो एफ में, थोड़ा पता है ना वो ज़्यादा दिन के बाद में फिर से सोलो एफ भी खेलते हैं, मतलब वैसे प्रैक्टिस तो कर रखी थी मैंने, फिर भी भाई जो जो प्लेयर्स रहते हैं नए प्लेयर्स फिर से आते हैं ना तो लॉबी की में थोड़ी खेलने से दिक्कत होती है, तो पहला दिन थोड़ा गंदा ही गया, ठीक है। या तो यहाँ पे देखो भाई मैं एकदम एंडिंग में जब 4 जोन बनने वाला है, मतलब 4 जोन बन गया था उस टाइम पे मैं भाई उधर से कल्टी मारी। तो आपको ऐसा ही करना है, 4 जोन तक बाहर ही रुको, कोई दिक्कत नहीं, बैंडेज वैंडेज पे लो भाई 4 जोन, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ अभी भी याद से रुको, कान खोल के सुन लो, 4 जोन बाहर रुकना है, ठीक है। तब भी भाई आपका हर एक मैच में टॉप 10 होगा, नहीं तो फिर देखो भाई अगर जल्दी जल्दी से जाकर अगर आप सेंटर पकड़ रहे हो, 3rd जोन में जाकर जल्दी सेंटर पकड़ रहे हो या फिर भाई 2nd जोन में ही सेंटर के निकल लिए हो, तो भाई वहाँ पे आपको भाई मतलब टॉप 10 होने के बहुत कम चांसेस है। अगर मेरी टिप्स फॉलो कर रहे हो, अगर 4 जोन बाहर रुक के मतलब सर्वाइव करके मस्त बैंडेज वैंडेज मार के खेल रहे हो तो भाई आपके भाई मैं गारंटी से बोल रहा हूँ हर एक मैच टॉप 10 होगी भाई, हर एक मैच, ठीक है ना। तो ऐसे करके भाई आप इजीली भाई ज़्यादा प्लस निकाल सकते हो, अगर आपके 2 किल हो फिर भी आपको भाई टॉप 10 के ऊपर 20 25 का प्लस मिल जाएगा, डायमंड पे या फिर प्लेटिनम पे। प्लेटिनम पे ज़्यादा मिलेगा वैसे, 30 35 का तो प्लस, 30 का तो प्लस पढ़ के चलो 28 30 का, ठीक है। तो एंड आपको भाई अच्छा खासा प्लस मिलना स्टार्ट होगा क्राउन से, ठीक है। जैसे क्राउन 5 लगेगा आपका, उधर से आपको उधर प्लस अच्छा मिलेगा, टॉप 10 करोगे तो बढ़िया प्लस मिलेगा 25 का 28 का, ठीक है। और कुछ किल्स के ऊपर भी डिपेंड रहता है एंड कुछ भाई सर्वाइव के ऊपर भी, ठीक है। जैसे कि टॉप 5 4 3 2 अगर चिकन हुआ तो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं सेंटर में आया भाई, 4th जोन में भाई अच्छी खासी पोजीशन पकड़ ली, बिकॉज 4th जोन में भाई ऐसी हम जगह पकड़ ले, अच्छी जगह पकड़ ली तो आपको किल्स निकाले बहुत ईजी हो जाता है जो जोन के बाहर के बंदे उनको मारने के लिए। जैसे कि भाई यहाँ पे बंदे भाई मेरे को दिखते हैं एंड मैं इनको भाई पूरा खेलता हूँ, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा हक दिया और बाद में मार दिया, देखो इसको मार दिया एंड उसके बाद में और एक बंदा दिखता है भाई, इसको भी पेल लेता हूँ इसके साथ में भाई। देखो मेरे 10 किल यहाँ पे कंप्लीट हो जाए थे, वो मतलब हो चुके थे एंड अब बारी थी भाई। अब मैं सोच रहा था 10 किल हुए तो भाई चिकन तो मारना ही मारना है, अगर चिकन मारूंगा तो बढ़िया प्लस भी मिलेगा
एंड भाई कंटेंट भी बन जाएगा, जैसे कि अभी मैं डाल रहा हूँ ये वाला कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे भाई अपने 10 की 10 की एकदम आराम से होते हैं, एंड मैं कोई भी मिस्टेक्स नहीं करता हूँ, किसी को मतलब ज़्यादा पिक विक नहीं देता हूँ ताकि वो मेरी पीटी बना सकें, ठीक है। तो एकदम होल्ड करके खेलो यार। देखो भाई जितना होल्ड करोगे, जितना होल्ड करने का साहस है आपके अंदर, उतना अगर होल्ड करके खेलोगे तो भाई अच्छा होगा, नहीं तो फिर जो जल्दबाजी करता है उसके तो खैर नहीं भाई, उसका तो पर उसका मतलब ज़्यादा भाई प्लस नहीं हो पाता, ठीक है। होल्ड करना सीखो भाई, मतलब आधा डाल लो होल्ड करके खेलना। कॉन्करर भाई आप बोल रहे हो ये तो लूप कॉन्कर है, मतलब ये ऐसा कैसा भाई कैम करके कॉन्कर हुआ, तो भाई कॉन्कर की स्ट्रैटेजी ऐसी होती है, आप ये बोल रहे हो कॉन्कर करना है तो ऐसे ही खेलना पड़ता है, हर एक मैच खेलना पड़ता है। तो हर एक मैच को इजीली मत लेना, ठीक है, एकदम आराम से खेलना टॉप 10 करके। तो यहाँ पे भाई ये मैट भाई बहुत काम की चीज़ है, ये पास में रखना, एंडिंग में बहुत काम आती है, जब आपकी गाड़ी वाड़ी कोई फाड़ देता है मतलब फोड़ देता है तो ये काम आती है भाई। तो ये इसको लेकर मैं जोन के अंदर जाता हूँ, एंड भाई अभी यहाँ पर उतरना भी था तो यहाँ पे मेरे को बंदे भी जाता, सबको पोजिशन देख लेता हूँ इसके ऊपर से, बहुत सही है भाई ये मेरे को बहुत पसंद आई BGMI के अंदर, ठीक है, ये वाली चीज़। यहाँ पे मेरे को बंदा दिखता है लेटा हुआ, तो उसके बाद में पत्थर था जो कि खाली था, मैं सोचता हूँ वहाँ पर जाकर इसके पेलूँगा, पर ये मैं जैसे ही जब मारता भाई ये बंदा की पीटी बन जाती है, देखो बन गया भाई पीटी, तो धुआं इसका पहले निकल चुका था जो पीछे वाले बंदे ने बताया था। तो अब मेरे को भाई यहाँ पे थोड़ा सतर्क रहना चाहिए था, अब यहाँ पे मैं सतर्क हो जाता हूँ, एंड अभी बचे थे भाई 2 बंदे और, तो इनको भी पहले जल्दी से मेरे को चिकन मारना था। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड भाई बेल आइकन को ऑन कर दो ताकि भाई जल्दी से आप मेरे तो वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। एंड भाई दोस्तों को भी शेयर करो जो रैंक पुश नहीं करते, मतलब रैंक पुश करते हैं बट उनका कॉन्कर नहीं होता है, ठीक है। तो भाई मेरे बस 25 सब्सक्राइबर बचे 3K होने के लिए, तो भाई वो भी करा दो यार, जम रहा तो अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब करा दो, इतना हो जाएगा भाई तो मेरा नेक्स्ट टारगेट भी मैं पकड़ लूँगा 5K। तो अच्छा मतलब कॉन्फिडेंस मिलता है भाई जल्दी जल्दी, अगर 3K सब्सक्राइबर हो जाए तो मेरे को अच्छा और कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, है ना। तो अभी मेरे को ये कैंप बंदा कर रहा था एंडिंग में, ठीक है, तो नो ग्रास वाले बंदे भी आ रहे हैं, तो ज़्यादा भाई ओपन में लेटना नहीं है, ठीक है, मेरे को पिछले गेम में मिला था। एंड सर्वर हैक भाई, सर्वर हैक की बड़ी चीज़ है भाई, सर्वर हैक वाले बंदे भी आ रहे थे, ठीक है, 2 मैच में आके गया। बट क्या करना है, जैसे भी आपको पता चले ना भाई लॉबी के अंदर, मतलब स्पॉन आइलैंड पे जैसे आप पहुँच जाओ, सेकंड चालू रहते हैं उस टाइम पे आप एग्जिट कर सकते हो, आपको भाई पिंग हाई हो गया अचानक से तो आप भाई एग्जिट कर दो मैच को, कोई माइनस वाइनस नहीं लगेगा, ठीक है। ऐसा करने से भाई आप बच सकते हो अच्छा सा तगड़ा माइनस लगने से, एंड भाई ये होता ही रहेगा। अभी है एक बंदा आया, मतलब वो तो करेगा करेगा हर मैच, जो भी मैच में जाएगा वो तो करेगा ही, ठीक है। तो या फिर ये बूस्टर वूस्टर मार लेता हूँ मैं, ये बूस्टर भी अच्छा लगा है, बढ़िया है, छोटा सा है पर बढ़िया है, तो इसको गिराता हूँ बंदे को। तो यहाँ पे भाई इसको मार देता हूँ, 11 किल यहाँ पे हो चुके थे। एंड लास्ट बंदा भाई मेरे देखो लेट लेट के कब आया मेरे पास में, मेरे को पता भी नहीं चला, ऐसे मतलब नागिन सांप रहता है। तो यहाँ पे मैं पुंगे बजाता हूँ ताकि भाई ये सांप हिल सके, तो यहाँ पे उसने पुंगे बजाई और मैंने इसको सूंघ लिया, तो मैं अभी इसको पी लूँगा भाई। तो पहले मैं ग्रेनेड करता हूँ, ग्रेनेड मीन से देखता हूँ मरेगा या नहीं मरेगा, तो उसने भी किया था पर वो भाई सांप बहुत खतरनाक था, पीछे ही लेटा हुआ, तो अभी इसको क्या ही मारता हूँ देखो। तो इसके साथ में भाई मेरा यहाँ पे हो चुका है चिकन डिनर, वो भी भाई एकदम 12 किल के साथ में, ठीक है। एंड भाई अभी प्लस देखो तो प्लैटिनम के ऊपर मेरे को मतलब इतना अच्छा सा प्लैटिनम 1 के ऊपर मेरे को 45 का प्लस मिला है, और क्या चाहिए भाई, सही प्लस मिला है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करो, तो मिलता भाई ऐसी नई वीडियो में, टाटा एंड बाय बाय, सी यू गाइस।